दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ माई इंटरडे में। दोस्तों देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और क्या लॉजिक हो सकता है उसके लिए। दोस्तों ये कल मैंने आपको लेवल्स दिए थे, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको सारी चीज़ें पता है, जो लोग नए हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये आज का ट्रेड है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि आज ये पहली 15 मिनट की कैंडल ये ओपन है, इसके बाद मार्केट मैंने आपको कल 16,648 दिया, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, राइट? ये ओपनिंग है। मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट यहां कहीं ओपन होता है तो आप 16,648 पर बाई कर सकते हैं। 16,705 आपका पहला टारगेट होगा। क्या पहला टारगेट अचीव हुआ? बिल्कुल हुआ। आप यहां पर बाई करते और इस जगह पर आप एग्जिट कर सकते थे। उसके बाद एक ही कैंडल ने 705 से लेके और 648 तक का टारगेट दे दिया, यानी आप अगर यहां सेल करते तो यहां तक का टारगेट आपको मिल सकता था। बहुत से लोगों ने पैसा बनाया भी है। तो मार्केट को कैसे ट्रेड करना है वो आप लोग समझिए, कल के दिन क्या हो सकता है। आज मार्केट को आप देखें तो एक तरह से ये क्या हुआ, साइडवेज रहा मार्केट, यानी कि वोलाटाइल रहा। अब कल है एक्सपायरी, और वो भी एक्सपायरी कौन सी है हमारी, मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी हमेशा वोलाटाइल होती है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। कल मार्केट में बड़े बड़े मूव आएंगे, तो इन मूव को कैसे आपको ट्रेड करना है, कैसे आपको कंट्रोल करना है, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, तभी आप कल के दिन पैसा बना पाएंगे। 100 में से 90 डेज मंथली एक्सपायरी ऐसी होती है, और बाकी के 10 दिन एक्सपायरी जो होती है वो ट्रेंडिंग होती है, या तो ऊपर की साइड मार्केट जाता है या फिर नीचे की साइड मार्केट जाता है। ये मंथली एक्सपायरी का तरीका है। तो कैसे आपको ट्रेड लेना चाहिए उस चीज को समझिए। मार्केट लास्ट के एक घंटा इस रेंज में रहा, अगर कल मार्केट 16,648 को ब्रेक करता है, जैसा कि मैंने कल बताया था, यहां पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, यहां पे आप बाइंग कर सकते हैं और टारगेट आपका वही रहना चाहिए 16,705। अगर मार्केट इसी जगह पर कल मॉर्निंग में एक बियरिश कैंडल बनाता है, आप यहां पर सेल कर सकते हैं, ये SL रहेगा आपका, और 16,592 आपका पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद 16,480 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। तो कल के लिए बिल्कुल भी ट्रेड मुश्किल नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। निफ्टी में आपके आज के जो लेवल्स हैं यही सेम वर्क करने वाले हैं, सेम तरीके से आपको ट्रेड करना है जो मैंने कल बताया था आपको उसी तरीके से। क्योंकि मार्केट ने, देखिए यहां से मार्केट ने इतनी बड़ी रैली दी, इतनी बड़ी रैली देने के बाद मार्केट कभी भी एक शॉट में ऊपर नहीं जाता है, वो क्या करता है, साइडवेज होता है। साइडवेज होने के बाद या तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तो ये हमको देखना है। कल अगर 16,705 का लेवल वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है तो आप बाई साइड में बैठ सकते हैं। ये तो हो गई निफ्टी की बात, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। आप देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट, कल जो मैंने आपको ये लेवल दिया था 35,598, मार्केट इसी लेवल के आसपास शाम के 2-3 घंटे बिताया है, ये पूरा का पूरा इसी लेवल के आसपास बिताया। इसका मतलब ये हुआ कि 35,598 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह अभी तक वर्क कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें आप कल के दिन क्या कर सकते हैं,
उसको हम लोग देखते हैं। तो ये है हमारा ओपन इंटरेस्ट का चार्ट, ये निफ्टी का है। हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप लोग बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट को अगर ध्यान से देखें तो आप लोग पाएंगे कि ये जो हमारा लेवल है, देखिए मैं जब इस पे कर्सर रख रहा हूँ तो ये हमारा 36,000 का लेवल है, ये हमारा 35,500 का लेवल है, ये हमारा 35,000 का लेवल है। तो अगर आप गौर करेंगे तो 36,000 पर, 36,000 पर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, राइट? और 35,000 पर एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अब यहां पर देखिए गौर से, इधर ये हमारा 35,500 है, 35,500। तो पहला सपोर्ट जो आपको मिल रहा है वो 35,500 पर, ठीक है, और 36,000 पर रेजिस्टेंस है, यानी कि मार्केट 35,600 के आसपास क्लोजिंग दिया है, यानी यहां पर क्लोजिंग दिया है। तो अगर हम ओपन इंटरेस्ट के चार्ट को देखें, पूरे हफ्ते भर के चार्ट को देखें, तो उससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि मार्केट जो है इस पॉइंट पर सपोर्ट ले सकता है, यानी 35,500 पर सपोर्ट ले सकता है। ये पूरा जो हमारा वीकली का ओपन इंटरेस्ट चार्ट है वो ये बता, और इसके अकॉर्डिंग मार्केट में क्लोजिंग जो है वो 35,600 और 35,500 के बीच में ही होनी चाहिए। लेकिन आज क्या हुआ है, ये आज का चार्ट है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये आज का चार्ट है। आज के चार्ट में आप गौर करेंगे तो ये लेवल यानी 35,500 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिखा रहा है, 35,500 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिखा रहा है, 35,600 यानी कि 500, 600, 7, 8, 36,000, यहां तक पूरे पे क्या है, सपोर्ट की जगह सिर्फ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। सब ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होंगी, तो इसका ये मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस ज्यादा है, सपोर्ट कम है। आप देखिए सपोर्ट इसमें कहाँ है, इतना दूर जाकर है, 35,000 पर जाकर सपोर्ट है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उस चीज को समझिए आप। ऐसी कंडीशन में जनरली अगर कोई न्यूज आ जाए, अगर कोई न्यूज आ जाए और मार्केट अचानक से ऊपर की तरफ चलने लगे, तो जितने लोगों ने यहां पर सेल किया है या बेच कर गए हैं, उन सब लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। लोग कहते हैं ना शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, शॉर्ट कवरिंग यही होती है कि अगर आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया है वो स्टॉप लॉस उड़ जाए, ट्रिगर हो जाए, तो आपने सेल करके गए, स्टॉप लॉस बाइंग साइड पे लगा हुआ है, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, यानी उतनी क्वांटिटी बाइंग हो जाएगी, और जब बाइंग होती है तो मार्केट और तेजी से ऊपर जाता है। तो अगर कल के दिन मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और शॉर्ट कवरिंग आती है, तो 36,000 का लेवल भी ब्रेक हो सकता है, 36,000 का लेवल भी ब्रेक हो सकता है। तो कल आपको बड़ा सावधानी पूर्वक ट्रेड करना है। यहां पर देखिए ये लोग निकल गए जो सपोर्ट थे, जिनका सपोर्ट था 35,800 पर, वो लोग निकल गए, यानी वो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि मार्केट का डायरेक्शन कल के दिन नीचे की तरफ है। तो अगर नीचे की तरफ है मार्केट का डायरेक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट स्लोली 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 सुबह से लेकर शाम तक नीचे जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहां से रिवर्स हुआ और 35,600 के ऊपर चला गया, 700, 800, तो 36,000 का लेवल ब्रेक हो सकता है। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है, तो अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट आप बनाकर चलिएगा। तो आपको इस लेवल पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब तक मार्केट 35,600 के नीचे है आप केवल सेल साइड में रहेंगे, और मार्केट 35,600 के जब तक ऊपर है तब तक आप बाई साइड में रहेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे ही 35,600 ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक होता है आप बाई पोजीशन से निकल जाइएगा, और जैसे ही 35,600 नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक होता है
आप सेल साइट से निकल जाइए, डायरेक्शन कल के दिन ध्यान रखिएगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप कल के दिन मार्केट वोलाटाइल होगा, तो अगर मार्केट ऊपर जाता है आप अपना प्रॉफिट इस लेवल के आसपास आप पहला प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ये 35,321 का लेवल ध्यान रखिएगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो इस लेवल का कल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रीजन है कि मैं 35,600 का स्ट्रेडल सेल करके गया हूँ। अगर आपको स्ट्रेडल के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो 35,600 का स्ट्रेडल मैं सेल करके गया हूँ। मोस्ट प्रोबेबली कल मार्केट फ्लैट खुल सकता है, फ्लैट खुलेगा तो सबसे पहले तो हमको टाइम डिके मिलेगा, टाइम डिके मिलेगा जो मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले से कि टाइम डिके क्या है। और बाकी मैं टेलीग्राम पे डेफिनेटली कोई ना कोई अगर अच्छा ट्रेड बनेगा तो मैं आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा बैंक निफ्टी में 35,600 का लेवल बहुत क्रूसियल है। ऐसे निफ्टी में 16,650 का लेवल बहुत क्रूसियल है। इन दोनों लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा और उसको उसी तरह से ट्रेड कीजिएगा। देखिए 16,648 का लेवल। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।